आज हम लोग की हो रही है फेयरवेल और आज हम लोग को दी जा रही है यहाँ भातखंडे के अंदर बिल्कुल लास्ट पार्टी, और इसके बाद हम लोग शायद ही भातखंडे इस तरीके से आ पाएंगे जिस तरीके से आते हैं, और यहाँ पर सबका जो है कंप्लीट होने वाली पढ़ाई। तो यहाँ पर भैया अरेंजमेंट करा जा रहा है पासिंग द फ्लो, जैसे आपने सुना होगा म्यूजिक जब रुकती है तो जिसके हाथ में फ्लो होती है वो जो है उसको कुछ ना कुछ टास्क करना होता है, तो वहाँ पर हम लोग यहाँ पर वही अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर सोनू को जो टास्क दिया गया था वो था कि उसको एक सेल्समैन बनना था और उसे एक प्रोडक्ट को बेचना था, और किसको बेचना था सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, बेचना था हम लोग की मैम को, डॉक्टर सृष्टि माथुर मैम को बेचना था जो कि कस्टमर थी। और उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात ये थी कि वो इसके किसी भी प्रकार के किसी भी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं थी, ना देखने के ना खरीदने के। तो यहाँ पर सबको मिस्टर और मिसेस के अलग अलग टाइटल से सम्मानित किया गया, तो उसको मैं आपको शॉर्ट में दिखाता हूँ। तो अब आती है मेरी बारी, मुझे सबका नहीं मालूम पर मुझे अपना पता है कि मुझे मिला था मिस्टर पॉकेट फुल, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉकेट मतलब वॉलेट में पैसे मेरे पास थे, तो इस वजह से मुझे मिला था मिस्टर पॉकेट फुल। तो अच्छे से गाना लगाने के बाद अब आया सेल्फी टाइम, तो सब लोग यहाँ पर मैम के साथ सेल्फी ले रहे हैं। कैश कितना चाहिए? 3.5 चाहिए। लोग पैसे का अमीर हूँ यहाँ पर, देखिए मुझे ये टैग मिला हुआ है लेन देन, और लोग मुझसे देखिए पैसे मांग रहे हैं, पैसे दे रहे हो, ये देखिए लोग देख रहे हैं कैसे पैसे दिए जा रहे हैं। चलो ये देखो, तो मैं देखिए इतना अमीर, मुझे अमीर वाला ही मिला है, जैसे कि मैं अंबानी वाली बिलिंग आ रही है, प्लीज एक बार वो करा दो, जैसे अंबानी वाली बिलिंग आ रही है और मैं पैसे दे रहा हूँ, कितना चाहिए अंबानी? 30 लाख चाहिए अंबानी। क्लास से बाहर जा रहे हैं और मेरे क्लास के लोग यहाँ पर भी खड़े हुए हैं, तो अभी डिसाइड हुआ है, जैसे हम लोग फ्रेशर में पार्क में गए थे पागल, वही पागल सेम वही पागल है फ्रेशर में, जैसे आपने देखा होगा पागल को, और आज हम लोग का फेयरवेल है और फेयरवेल में वही पागल मेरे साथ है, और ये बोलती रहती है, उसको हटा नहीं सकते, मना किया मैंने। यहाँ मैंने लोगों को 15 मिनट से खड़ा कर रखा है सिर्फ ये बोलकर कि खड़े रहो, बहुत अच्छी भिखारी है, खड़े रहो ऐसे ही। मैं जा रहा हूँ वही साइड वाले पार्क, जैसे कि आपने फ्रेशर पार्टी में देखा होगा और इसको भी आपने देखा होगा इससे पहले वाले ब्लॉग में, जिसका मैं आई बटन पर डाल दूंगा। तो हम लोग फ्रेशर पार्टी में ये साथ में थी पागल, और अभी भी पार्टी में साथ है, तो जो है बोलने का बड़ा शौक है लेकिन समझ में नहीं आता है क्या बोले। ये है पार्क का रास्ता और सब लोग एंट्री कर रहे हैं, तो यहाँ से हम लोगों ने एंट्री करी है, ये बड़ा रास्ता आया हुआ है, पीछे हम लोग कॉलेज दिखता है, हम लोग की वॉल्स वगैरह देख सकते हैं, ये जितने भी आपको शेड दिख रहे हैं ये सब क्लासेस होती हैं यहाँ पर लाइन से, ये राइट साइड है और वो लेफ्ट साइड भी ऐसी सेम क्लासेस रूम वगैरह रहते हैं। देखिए फिर लोग यहाँ पर आ गए, वही सेम बिल्कुल सेल्फी विल्फी लेना स्टार्ट कर दिया है, और ये हम लोग की जगह है जहाँ पे हम लोग बैठते हैं अक्सर, ये मकबरा है, इसके अंदर भी एंट्री होती है, हम किसी में आऊँगा स्पेसिफिक ये बनाने के लिए आऊँगा इसके अंदर मतलब क्या चीज़ है। अभी फाइनली मेरा ग्रुप बैठा हुआ है और इनसे मैं अभी पूछूँगा कि ये लोग जाने के बाद क्या चीज़ें मिस करेंगे, तो वन बाय वन मैं पूछता हूँ और आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं शुभम से, शुभम ये बताओ अगर यहाँ से जाने के बाद तुम सबसे ज़्यादा क्या मिस करोगे? सबसे ज़्यादा मैं मिस करूँगा इस ग्रुप को जिसके साथ मैंने बहुत कम टाइम स्पेंड किया है, बट आई लाइक दिस ग्रुप, और स्पेशली मैं मिस करूँगा इस ग्रुप को।
जल्दी बताओ। मैं इन सबको मिस करूंगी और सबसे ज्यादा तो उस गोबर को मिस करूंगी। इसको बुला लेना डायरेक्ट। अच्छा दीपक को, ये पीछे दीपक बैठे हैं। क्लास मिस करूंगी सबसे ज्यादा तो। कैमरे में देखो, मुझे ना देखो, कैमरे में देखो। बारह बजे के बाद जो हम लोग यहाँ पे टाइम पास करते हैं, चाय पीते हैं, दोस्तों को मिस करूंगी, मैम को मिस करूंगी। और ये है मेरी आयु, इसका नाम है आयुषी, जिसको मैं आयु बोलता हूँ। क्या मिस करेंगे आप मेरे अलावा? तुम्हारे अलावा, तुम्हारे अलावा ये सब और इसको। अच्छा, इसको सबसे ज्यादा मिस करोगे। वैसे इन दोनों की जोड़ी बड़ी, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं, दोनों साथ में आती थी, साथ में खाती थी और साथ में जाती थी। सबको मिस करूंगी, अपनी क्लास को, सिस्टर। अच्छा, सिस्टर मैम को। ओके, ये थी तुम? मुझे नहीं पहचानती। अरे नेहा। मैं थी श्वेता। श्वेता तुम पिटोगे। तो श्वेता तुम क्या मिस करोगे कॉलेज में यहाँ जाने के बाद? पूरा ग्रुप मिस करूंगी, दीदी को मिस करूंगी, आकांक्षा को मिस करूंगी, सबको मिस करूंगी। अच्छा, और एक चीज और है, जब वीडियो, जब सुनो, और एक चीज और है, जब वीडियो सब लोग देख रहे होंगे तो कुछ ऐसा मैसेज दो, कुछ ऐसा मैसेज दो जो लोग बाद में याद रखें। अपना सबसे पहले मैं भूमिषा को मिस करूंगी। अरे हो जाएगा, अरे हो जाएगा, हम लोग बहुत मिस करेंगे एक दूसरे को। और हम लोग, और सोनिया दीदी, और हम लोग दीपक भाई, दीपक भाई के लिए ना गृह भाई परेशान रहते हैं। हां, तीनों परेशान थे ऐसे फोटो खिंचाने के लिए। और ये है नैनीताल की रानी, क्या नाम है? गरिमा। नैनीताल इनके घर से कुछ ही दूर है, तो हम लोग नैनीताल जो जाते हैं इनके घर के पास है, और नैनीताल इन्हीं का है, मतलब हम लोग जाते। तो गरिमा, क्या चीज मिस करोगी अपने क्लास में या अपने कॉलेज के लिए? लड़की पढ़ने आई है, पढ़ाई पर ध्यान देती है। मुझे मिस करोगी या नहीं? इसको मिस करेगी। चलो उमेशा, मैं सबसे ज्यादा इसको मिस करूंगी। ये यहाँ पर मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स बने हैं, प्रवेशिका से लेकर अभी एमपीए तक 9 साल हो जाएंगे मुझे, और यहाँ पर मेरे बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स बने, सबसे ज्यादा। और मैंने और मुझे भी याद रहेगा, तुमने जो है जब हम लोग मोती महल गए थे और मैं, मुझसे छोला खाया नहीं जा रहा था भटूरा, तो तुमने मेरा खाया था अपना खाने के बावजूद, और मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि तुमने खा डाला है। अच्छा, सकते हैं एमपीए फर्स्ट ईयर में आई थी, तब लड़का थी, धीरे धीरे करके लास्ट होते होते लड़की बन चुकी है। तो सोनिया जी, क्या आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं तुम सबको बहुत मिस करने वाली हूँ। हाँ, और जो लोग दोबारा से कॉलेज लाइफ जी, और अब फिर से मिस करूँगी। और जैसे हम लोग जब वीडियो देख रहे होंगे, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? यही बोलूँगी, तुम लोग बहुत तरक्की करो, बहुत तरक्की, बढ़िया बढ़िया ब्लॉग बनाओ। थैंक यू सो मच। ये जो माहौल है, ये हंसी खुशी का माहौल है, बस यही मिस करेंगे और क्या। और सबको ब्लेसिंग देंगे, सब अच्छा काम करें, अच्छा पैसा कमाए, बस हमसे कम कमाए। सबसे बड़ी मौसी क्या कहना चाहोगे? एक मेमोरी के तौर पर है। अरे खिलौने भी, खिलौने भी कह रहा हूँ कि सबसे ज्यादा तो देखिए कॉलेज में जो स्टूडेंट्स हैं, इनको मिस करूँगा। पढ़ाई तो सब करते हैं, लेकिन यहाँ जो आके हम बगैती करते हैं हम लोग, उसको ज्यादा मिस करूँगा, बहुत मिस करूँगा। एक मिनट, कैंटीन जाना, चाय पीना, वो सब मिस करेंगे। कैंटीन में चाय बहुत गंदी मिलती है, लेकिन फिर भी हम लोग पीने जाते थे, क्योंकि टाइम से मैसेज दे रहा हूँ, कैंटीन में चाय मत पीना, बाहर जाके पीना, SBI पे, SBI के सामने जो आने वाले हैं। क्या बोला जाएंगे? यही बोलो, बोलना क्या है? यही बोलना चाहेंगे कि हाँ, सबको मिस करेंगे यार। ये इन्वायरमेंट जो है म्यूजिक का, बहुत अच्छा एक इन्वायरमेंट मिला था, मुझे लगता है बहुत ही कम समय में हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, बहुत कुछ सीखना बाकी है, और बहुत सारे अच्छे फ्रेंड्स भी मिले, ऐसे अच्छे अच्छे गाने वाले कुछ लोग मिले, कुछ लोग एज अ बड़े भाई की तरफ करते हुए निभाने वाले भी मिले, बड़ा भाई, और अच्छे जो मतलब सबको मिस करेंगे यार, सब सभी अपने चीजों में बहुत अच्छे हैं, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो बताया भी नहीं जा कैमरे पे, लेकिन ऐसी क्या चीजें जो कैमरे पे नहीं बता सकते है। अब मैं फैजल को भी बहुत मिस करता हूँ। अरे भाई, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू, ये भी चीजें हैं। थैंक, हाँ चाचा, ऋषभ नमस्कार। नमस्कार, क्या बोलना चाहेंगे? क्या पूछना चाहते हैं आप जो बता दे, हम लोग वो सुनना चाहेंगे।
हम क्या बताएं, बस आज आखिरी दिन है, बाकी मतलब सबके सबके साथ बाकी बस पेपर देने आना है। और ये मतलब इनके बारे में बताना चाहता हूँ, ये भाई मतलब इतनी मेहनत करता है, इतनी मेहनत करता है कि मतलब खाली एग्जाम में ही दिखता है। नहीं ऐसा नहीं है, ये गलत टिप्पणी कर रहे हैं। okay. मैं किसी दिन फंक्शन प्रोग्राम आता है तो मैं जरूर अटेंड करता हूं। फंक्शन में भी आते हैं, ये मैंने कहना भूल गया था, ये फंक्शन में भी आते हैं और लास्ट एग्जाम में भी आते हैं। तो और कुछ पूछना चाहते हैं? लास्ट कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे जिसको हम लोग देख के मिस करें आपको? नहीं मिस करूंगा यार, तुम लोग को मिस करूंगा, साथ में जाते थे हम लोग चाय पीने के लिए, मिस करूंगा मैं। और बस यही सब है, साथ में क्यों मस्ती सीखी है वो तो हमें साथ में रहेगा ही रहेगा। बाकी मिस वो करूंगा जो हम लोग साथ में टाइम से अभी यहाँ बैठे एक साथ चाय पीने जाते थे हम लोग, पार्क में बैठते थे, गाते थे, वो सब मिस करूंगा बस। ये है अपनी क्लास की सबसे छोटी सी नन्नी सी परी, क्योंकि बहुत अच्छी पोएट्री बोलती है और हर टाइम कैमरे में आने के लिए कुछ भी कर सकती है। क्या बोलना चाहोगे? दो लाइनें। क्लास में नहीं बता रहे यार, क्लास में मैम और सर के साथ जो हम लोग टाइम स्पेंड करते हैं, जो भी हम लोग की क्लास चलती है, वो तो बहुत ज्यादा मिस करेंगे। और ये जो हम लोग का क्वालिटी टाइम होता है, जो हम लोग थ्योरी कभी अटेंड नहीं करते हैं, उसको छोड़ के हम लोग जो क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, ये बहुत ज्यादा मिस करेंगे। दो लाइने, दो लाइन, दो लाइने, दो लाइने रट्टे वाली बता दो। और गाइस प्लीज, जो यहाँ पे लखनऊ में है तो काफी लोग लखनऊ में, जैसे फैजल, ऋषभ, शिखा, उमिशा, श्वेता, अशुभम, ये सारे काफी लोग लखनऊ में है, तो ये लोग मिलते रहेंगे। जो बाहर है उसे यही कहना है कि जब भी वो लखनऊ आए हमसे मिले जरूर, और हम ऐसे टाइम स्पेंड करें। और फैजल के चैनल को सब्सक्राइब करें, द लखनवी नवाब, इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सारी वीडियोस देखिए और इनको खूब प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच। तो आप लोग मेरे चैनल को इतना सब्सक्राइब करिए, इतना ज़्यादा शेयर करिए कि मैं इन लोग को मुँह लगाना बंद कर दूँ। ये लोग कहें बाद में, ये लोग बाद में कहें यार ये लड़का मेरे साथ यहाँ पे जो है बैठा करता था। ऐसे बेसिकली मैं, वैसे बेसिकली मैं शायरी करता नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा सी कुछ लाइनें बोलना चाहूँगा आप लोगों के लिए, थोड़ी सस्ती लाइनें हैं क्योंकि मुझे शायरी करना आती नहीं है। पल पल तरसे थे जिस पल के लिए, वो पल भी आया बस कुछ पल के लिए, सोचा उस पल को रोक लूँ हर एक पल के लिए, पर वो पल ना रुका एक पल के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कुछ लोग रो ले, नहीं नहीं आप लोग रोइए ना प्लीज। तो एज यूजुअल जैसे पहले की पहले फ्रेशर पार्टी में सोनल ने कुछ बोला था और आज भी सोनल कुछ बोलना चाहती है, तो इनकी लास्ट ख्वाहिश समझ के इनके पूरा करता हूँ, क्योंकि बैटरी तो है नहीं, लेकिन फिर भी इनकी बातें मान रहा हूँ। लास्ट है, आज हम सब साथ में हैं, पर वैभव यहाँ किसी कारण नहीं आ पाया है, तो वी ऑल मिस हिम, है ना? तो हम बहुत मिस कर रहे हैं वैभव को। वैभव आप ये वीडियो देखेंगे, हम लोग ने आपको बहुत मिस किया, वीडियो कॉल भी आपको करी थी, तो वैभव आपकी कमी बहुत महसूस हो रही है। नेक्स्ट हम लोग आफ्टर पार्टी जब करेंगे तो आप साथ में रहिएगा प्लीज। थैंक यू सो मच।